सीईसी के पद पे आपने अपने चेयर ग्रहण की है, जिम्मेदारी आपकी बहुत बढ़ गई हो, तो इस जिम्मेदारी को इस सीट पे बैठ के किस तरह निभाई? सबसे पहले आपका और आपके चैनल के माध्यम से मैं लिए डिस्ट्रिक्ट के सभी लोगों को, खास करके मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी जो सिंगे लालों के लोगों को और सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने बीजेपी को बड़ी बहुमत देके मेजोरिटी में इस बार छठे लेजिस्लेटिव इलेक्शन में आप लोगों ने चुना है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ सुशील जी, अभी आज तो मेरा पहला दिन है इस कुर्सी पे जो है, और अभी हमारे जो है डिप्टी चेयरमैन नॉमिनेट हुए हैं, और एक या दो दिन में जो है हमारे जो एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स के उनका भी फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद जो है हम अपने काउंसलर्स और एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स के साथ एक बैठक हम करेंगे, और हम आने वाले आगे के जो रणनीतियों के बारे में हम तय करेंगे किस तरह से हमें आगे जो है ये काउंसिल चलाना है। लेकिन मैं आपको इतना आश्वासन देता हूँ कि जिम्मेवारी बहुत बड़ा है, और मेरा पूरा कोशिश रहेगा, क्योंकि मेरा जो 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 टीम जो है मुझे अभी जो काउंसिल का जो एक टीम जो मुझे इस पर मिला है, और साथ ही साथ जो है हमारा जो माननीय जो एमपी जो खुद ही एक बड़ा युवा और एक डायनेमिक है, तो मुझे उम्मीद है कलेक्टिवली हम सब मिल के जो है आने वाले दिनों में लद्दाख को एक नई दिशा में ले जाने की भरपूर कोशिश करें। हम उम्मीद करते हैं कि जो यहाँ की जनता है उनको आपसे मिलने में किस तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, सीधे वो आपसे आके अपनी प्रॉब्लम लेके मिल सकती है, ये आप आश्वासन देंगे? देखिए सर, मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, तो मैं हमेशा जो है मेरा जो द्वार है, जो मेरा जो दरवाज़ा है, वो लोगों के लिए हमेशा खुला है, और कभी भी किसी को कुछ भी ज़रूरत हो सकता है वो मुझे कभी भी मेरे फ़ोन पे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा ऑफिस उन सभी लोगों के लिए खुला है, और मैं ख़ासकर मैं एक आश्वासन देना चाहता हूँ दूर दराज के जो इलाकों में जो लोग बैठते हैं, जिनके जो है बहुत ही एक इमोशनल वाले जो है, अगर उन जगहों पे जब आप जाते हैं तो एक आपके दिल में एक बड़ा दुखद सा आप एक फीलिंग्स आपको देखने को मिलता है, क्योंकि जिस मुश्किल में जो लोग वहाँ पे जीते हैं, तो मैं उन सभी को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि मैं आप सभी का काउंसलर हूँ, खाली मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का काउंसलर नहीं हूँ, आप सभी का मैं चेयरमैन हूँ, और एक चेयरमैन के नाते मैं आप लोगों को ये आश्वासन देता हूँ कि जब भी आपको मेरे ज़रूरत होगा आप खुले दिल के साथ मेरे पास आ सकते हैं। मैं अभी अपने ओर से पूरा कोशिश करूँगा आप सबके जो है मसले का हल निकालने का, मैं भरपूर कोशिश करूँगा। धन्यवाद बहुत बहुत फोकस न्यूज़ के बातचीत करने के लिए।